हाय, देखिए पिछला वीडियो कुछ ऐसा हुआ था कि एक मेरा फ्रेंड आ गया था, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो उसकी वजह से मुझे जानना पड़ा था। ठीक है, अभी मैं दूसरा पार्ट ये करता हूँ कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको। शायद उसमें मैंने यहाँ तक किया था, 493 ईसा पूर्व से मैंने किया था। ये यहाँ पे है ना, ये वाला मगध के अजातशत्रु का राज्यारोहण हुआ 486 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध को कुशीनगर नामक स्थान पर मोक्ष प्राप्त हुआ 468 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी को राजगीर के निकट पावापुरी में निर्वाण प्राप्त हुआ 413 ईसा पूर्व। मगध में शिशुनाग राजवंश की स्थापना 362 से 321 ईसा पूर्व। नंदवंश का शासनकाल 327 से 325 ईसा पूर्व। ईरान के सिकंदर महान का भारत आक्रमण 324 या 321 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण एवं तथा मौर्य वंश की स्थापना 305 ईसा पूर्व। मौर्य शासक चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक सेल्युकस निकेटर को पराजित किया 298 से 373 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार का राज्यकाल 269 से 232। अशोक का शासनकाल 261 ईसा पूर्व। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय, ये सभी डेट्स आते हैं, पूछते हैं कभी कभी एग्जाम्स में। 185 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य सम्राट वीरदत्त का वध तथा मौर्य वंश की समाप्ति। मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया 180 से 165 ईसा पूर्व। इंडो ग्रीक दिमित्रियस द्वितीय का उत्तर पश्चिम भारत पर शासन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 165 ईसा पूर्व कलिंग राजा खारवेल द्वारा त्रमिर देश संगठन पांडे चोल राज्य पर विजय। 155 से 130 ईसा पूर्व सॉरी अब तो नहीं, ईसा पूर्व ही है ये। 155 से 130 ईसा पूर्व यवनों का प्रसिद्ध शासन मिनांडर मिलिंद का राज्यकाल 73 ईसा पूर्व। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर वासुदेव कर्णों ने कणो वंश की स्थापना की 73 से 28 ईसा पूर्व। कणो वंश का शासनकाल 58 ईसा पूर्व। उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने विक्रम संवत के प्रचलन किया 28 से 225 ईसा पूर्व 28 ईसा पूर्व से 225 ईसवी पूर्व। आंध्र ईसा पूर्व है वो, आंध्र एवं सातवाहन वंश का शासनकाल। देखिए अब ईसवी सन आते हैं, एडी एनो डोमिनी जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक ईसवी पूर्व में आया, एक वन एडी या एक ईसवी सन में आया है आपको। शक शासक अजेस का राज्य तक्षशिला तक विस्तृत। अजेस द्वितीय पंजाब का शासक सब पार्थियन का भारत में प्रवेश 1415 ईस्वी। शक शासक गोंडोफर्निज का शासन तथा इसी समय ईसाई धर्म प्रचार हेतु रोमन संत सेंट थॉमस का भारत आगमन 78 ईस्वी सन। कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क का राज्यारोहण तथा उसके द्वारा सक्षम की का प्रारंभ 86 से 114 ईस्वी। महानतम सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी का शासनकाल। मूवी भी बनी है सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी पे, यूट्यूब पे सर्च मारना मिल जाएगी। 130 से 150 ईस्वी सक्षम शासक रुद्रामन प्रथम का पश्चिम भारत पर शासन 200 से 250 ईस्वी सन। सातवाहनों का पतन महाराष्ट्र में आभीर उत्तरी कन्नड़ तथा मैसूर जिलों में कुंतल और चुटू, आंध्र में इक्ष्वाकु तथा विदर्भ में वाक्तकों की सत्ता स्थापित। 225 ईस्वी सन विद्याशक्ति द्वारा वाक्तक शासन की स्थापना तथा अगले 272 वर्षों तक इस वंश का शासन रहा। 225 ईस्वी नासिक में आभीरों ने गैकुटकर वंश की स्थापना की। इस वंश का शासन अगले 250 वर्ष तक रहा। 319 से 320 ईस्वी सन गुप्त वंश का प्रारंभ। गुप्त संवंत चंद्रगुप्त प्रथम का राज्यारोहण 325 ईस्वी। कृष्णा नदी के दक्षिण में पल्लव वंश राज्य की स्थापना 335 ईस्वी। समुद्रगुप्त सिंहासन पर आसीन हुआ 375 से 415 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 405 से 411 ईस्वी। चीनी यात्री फायान की यात्रा 415 ईस्वी। गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम सिंहासन पर बैठा 455 से 467 ईस्वी। स्कंदगुप्त का शासनकाल। हूणों का भारत पर प्रथम आक्रमण तथा उनकी पराजय 476 ईस्वी। महान वैज्ञानिक व चतुर्विद आर्यभट्ट का जन्म 476 से 496 ईस्वी। गुप्त वंश का अंतिम सम्राट बुद्धगुप्त का शासनकाल। गुप्त वंश का विघटन 500 से 502 ईस्वी। हूणों के प्रथम शासक तोरामाण द्वारा भारत में राज्य की स्थापना तथा मध्यवर्ती भाग मालवा में एंटेन तक यार ऊपर में क्या है, एक सेकेंड, कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ तो है। उनका विस्तार 502 से 528 ईस्वी में। तो रमण का उत्तराधिकारी महिरकाल भारत में गुप्त शासक मानगुप्त द्वारा पराजित। एरेन पर गुप्त वंश का पुनः अधिकार 510 ईस्वी। 533 ईस्वी मंदसौर के
यशोधर्मन की मिहिर कुल पर विजय, 570 ईस्वी पैगंबर मोहम्मद का जन्म, 606 से 647 ईस्वी पुष्यभूति या कान्यकुब्ज वंशी शासक हर्षवर्धन का शासनकाल, 622 ईस्वी पैगंबर मोहम्मद ने मक्का त्याग कर मदीना में शरण ली, जुलाई 622 ईस्वी से हिजरी संवत का प्रारंभ, 628 से 34 ईस्वी के बीच पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया, 629 से 645 ईस्वी चीनी यात्री भेनसांग की भारत यात्रा, 642 ईस्वी महान पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया, 671 से 685 ईस्वी चीन विद्वान इतिसंग का भारत के लिए प्रस्थान तथा उसका भारत में निवास का समय, 712 से 713 ईस्वी तक मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर अरबों का प्रथम सफल आक्रमण तथा सिंध पर अधिकार, 736 ईस्वी दिल्ली के प्रथम नगर की स्थापना, 740 ईस्वी चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वारा पल्लव वंश का अंत, 750 ईस्वी बंगाल में गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना, 757 ईस्वी दंती दुर्ग द्वारा चालुक्य से अपनी स्वतंत्रता घोषित तथा राष्ट्रकूट वंश की शक्तिशाली वंश के रूप में उदय, 793 ईस्वी राष्ट्रकूट वंशी गोविंद तृतीय का राज्याभिषेक, 814 से 880 ईस्वी राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष प्रथम का शासनकाल, 836 से 892 ईस्वी प्रतिहार वंश के महान शासक भोज कन्नौज के सिंहासन पर आसीन हुआ, पूर्वी चालुक्य वंश के भीम प्रथम का राज्याभिषेक, 897 ईस्वी चोल राजा द्वारा अंतिम पल्लव शासक का पराजय, कांची के पल्लवों का अंत, 915 ईस्वी राष्ट्रकूट शासक द्वारा बंगाल के शासक महिपाल का पराजय, राष्ट्रकूट वंश का मध्य भारत में शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में अभ्युदय, 949 ईस्वी कृष्ण तृतीय द्वारा चोल शासक परंतक प्रथम की पराजय, 945 ईस्वी चोल वंश का महान शासक राजा राज प्रथम का राज्याभिषेक, 1000 ईस्वी महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण कर स्थानीय जनता को लूटा तथा धर्म परिवर्तन किया, 1001 ईस्वी मोहम्मद गजनवी द्वारा पेशावर और पंजाबों के हिंदू शाही शासक जयपाल की पराजय, 1008 ईस्वी पेशावर के समीप वे हिंद पर महमूद गजनी द्वारा आक्रमण किया गया जिससे आनंदपाल की पराजय हुई, 1010 ईस्वी भोज परमार शासक बना, 1014 ईस्वी राजेंद्र प्रथम चोल वंश का शासक बना, 1017 ईस्वी शंकराचार्य के मायावाद का खंडन पर विशिष्ट दैतवद मत की स्थापना, मठ मंत्र की स्थापना करने वाले वैष्णवाचार्य रामानुज का जन्म, 1019 ईस्वी महमूद गजनी तथा मथुरा व कन्नौज पर आक्रमण, 1022 ईस्वी महमूद गजनी का कलिंजर व ग्वालियर पर आक्रमण, 1025 ईस्वी महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ पर आक्रमण, 1030 ईस्वी किताबुल हिंद के लेखक महान अरब यात्री अल बरूनी का भारत आगमन, राजेंद्र चोल का उत्तरी भारत का अभियान, 1131 ईस्वी कर्नाटक में लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक वाशेश्वर का जन्म, 1137 ईस्वी विशिष्ट द्वैत मत के प्रतिपादक रामानुजाचार्य का देहांत, 1162 ईस्वी द्वैतवाद के प्रतिपादन वैष्णव संत निम्बार्क स्वामी का जन्म, 1163 ईस्वी मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी गजनी का शासक बना, 1167 ईस्वी संतवासो का निधन, 1175 ईस्वी मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण एवं मुल्तान के दुर्ग पर कब्जा, 1178 ईस्वी मोहम्मद गोरी का गुजरात पर आक्रमण तथा पराजय, 1191 ईस्वी तराइन का प्रथम युद्ध जिसमें मोहम्मद गोरी राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के हाथों पराजित, 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित, गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का सूबेदार नियुक्त हुआ, 1194 ईस्वी मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद्र को पराजित किया, 1197 ईस्वी द्वैतवादी संप्रदाय के आचार्य माधवाचार्य का जन्म, 1206 ईस्वी मोहम्मद गोरी की मृत्यु और भारत में उसके प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा, 1206 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना, उसने दिल्ली के प्रथम शासक वंश की भी स्थापना की जिसे इलबरी वंश के नाम से भी जाना जाता है, 1210 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, 1211 ईस्वी इल्तुतमिश का शासनकाल, 1221 ईस्वी मंगोलों के सरदार चंगेज खां का ख्वारिज्म शाह पर आक्रमण, 1229 ईस्वी बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश की खिल्लत मिलाई अर्थात इस्लामी शासक के रूप में मान्यता मिली, 1236 ईस्वी शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म, दिल्ली के सुल्तान पद पर इल्तुतमिश की पुत्री राजिया आशीन, 1240 ईस्वी राजिया सुल्तान की हत्या, 1241 ईस्वी भारत पर ताइर के नेतृत्व में मंगोलों का प्रथम आक्रमण, 1246 ईस्वी नसरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली का सुल्तान बना, 1266 से 86 ईस्वी गयासुद्दीन बलबन की दिल्ली के सुल्तान के रूप में कार्यकाल, 1270 ईस्वी महाराष्ट्र में संत नामदेव का जन्म, 1279 ईस्वी बंगाल में तुगरिल खां
का विद्रोह 1288 से 93 ईस्वी, प्रसिद्ध वेनिस यात्री मार्क पोलो की भारत यात्रा 1290 ईस्वी, दास वंश का अंत, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना था, खिलजी वंश की स्थापना की 1294 ईस्वी, अलाउद्दीन खिलजी का देवगिरी अभियान 1296 ईस्वी, अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी का वध किया तथा स्वयं दिल्ली का सुल्तान बना। 1297 से 1305 ईस्वी, अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत में विजय का काल 1306 से 1313 ईस्वी, दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियानों का काल 1316 ईस्वी, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1320 से 1325 ईस्वी, गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक दिल्ली का सुल्तान बना था, तुगलक वंश की स्थापना की 1325 ईस्वी, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु, फ्रांसकिन बादरी ओडरिक आंक पोडनाद्र की भारत यात्रा, कमाल का नाम है यार, 1326 से 1327 ईस्वी, मोहम्मद तुगलक द्वारा दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन 1333 ईस्वी, मोहम्मद तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया 1336 ईस्वी, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट देखिए भाइयों एवं बहनों, नेक्स्ट हमारा है 1342 ईस्वी, इब्न बतूता की चीन इब्न बतूता को चीन को प्रस्थान 1347 ईस्वी, अलाउद्दीन शासक हसन वहम शाह द्वारा दक्षिण भारत में बहमनी राज्य की स्थापना 1351 ईस्वी, फिरोज शाह तुगलक के राज्यारोहण हुआ 1398 ईस्वी, भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण एवं दिल्ली को लूटा 1412, अंतिम तुगलक सुल्तान मोहम्मद महमूद की मृत्यु, तुगलक वंश का अंत 1414 ईस्वी, दिल्ली पर खिज्र खां का अधिकार तथा सैयद वंश की स्थापना 1420 से 1421 ईस्वी, इटली यात्री निकोलो कांटी की भारत यात्रा 1429 ईस्वी, बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा से बिदर स्थानांतरित 1442 ईस्वी, अब्दुल रज्जाक की विजयनगर यात्रा 1447 ईस्वी, बहलोल लोदी का दिल्ली पर अधिकार जिसने 1451 ईस्वी में लोदी वंश के शासन दिल्ली में स्थापित किया 1469 ईस्वी, पाकिस्तान स्थित तलबंडी में गुरु नानक का जन्म 1485 ईस्वी, चैतन्य का जन्म 1498 ईस्वी, 20 मई को पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का भारत आगमन 1509 ईस्वी, कृष्णदेव राय का राज्यारोहण, विवाण में राणा संगा का राज्यारोहण 510 ईस्वी, पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा छीना 1517 ईस्वी, सिकंदर लोदी की मृत्यु, इब्राहिम लोदी उसका उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ 1520 ईस्वी, बाबर द्वारा पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी पर हाजित व पंजाब पर अधिकार 1525 ईस्वी, बाबर द्वारा पंजाब पर अधिकार 1526 ईस्वी, इब्राहिम लोदी व मुगल शासक बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध, इब्राहिम लोदी की पराजय, दिल्ली सल्तनत का अंत, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1527 ईस्वी, बाबर व राणा संगा के बीच खनवा का युद्ध हुआ जिसमें राणा संगा की पराजय 1528 ईस्वी, चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ जिसमें मेदिनी राय की हार हुई 1529 ईस्वी, बाबर तथा अफगानों के बीच घाघरा का युद्ध हुआ जिसमें बाबर ने अफगानों को पराजित किया 1530 ईस्वी, बाबर की मृत्यु, हुमायूं के आगरे में राज्य रोहण, विजयनगर साम्राज्य के महानदम शासक राणा कृष्णदेव राय की मृत्यु 1532, संत चैतन्य का निधन 1533 ईस्वी, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त किए, वैष्णव संत चैतन्य का निधन 1535 ईस्वी, हुमायूं ने बहादुर शाह को हराया तथा गुजरात व मालव पर अधिकार किया 1538 ईस्वी, हुमायूं ने शेर खां के चुनारगढ़ का किला जीत लिया 1539 ईस्वी, चौसा का युद्ध, शेर खां द्वारा बंगाल शासन अभियान से लौटते हुए हुमायूं को चौसा नामक स्थान पर पराजित किया 1540 ईस्वी, शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध हुआ, शेर खां ने हुमायूं को निर्णायक पराजय दिया, हुमायूं का भारत से पलायन, शेर शाह ने दिल्ली में सूर साम्राज्य की स्थापना की 1542 ईस्वी, 15 अक्टूबर को अमरकोट में राणा बिरसाल के महल में अकबर का जन्म 1544 ईस्वी, शामेल के युद्ध में शेर शाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव को हराया 1545 ईस्वी, शेर शाह की मृत्यु एवं इस्लाम शाह का राज्यारोहण 1553 ईस्वी, सूर वंश के दूसरे शासक इस्लाम शाह की मृत्यु तथा सूर साम्राज्य का विघटन 1555 ईस्वी, मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने अफगानों को पराजित कर दिल्ली तथा आगरे पर अधिकार किया। देखिए यहाँ पे तो दिया हुआ है, कुछ गवर्नर्स की भी है, इसको अभी देख ले या बाद में देख लेंगे, अभी तो 1500 ये चल रहा है ना, लास्ट में 1600 तक पहुँचते हैं हम, चलिए देख ही लेते हैं, या इसको बाद में देख लेते हैं। 1556 ईस्वी, दिन पना की सीढ़ियों से लुढ़क कर हुमायूं की मृत्यु, अकबर का पंजाब में स्थित कालानोर नामक स्थान पर सिंहासनोरोहण, चुनार से सूर शासक मोहम्मद आदिल शाह की हिंदू सेनापति हेमू द्वारा आगरा तथा दिल्ली पर अधिकार 5 नवंबर को पानीपत का दूसरा युद्ध जिसमें अकबर ने हेमू को पराजित कर वध कर दिया
1560 ईस्वी अकबर द्वारा बैरम खां का निष्कासन, 1562 ईस्वी अजमेर की राजकुमारी व राजा बहरमल का पुत्र से विवाह, युद्धबंदियों को दास बनाने की प्रथा का उन्मूलन, 1563 ईस्वी अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाले तीर्थयात्रा की समाप्ति, 1565 ईस्वी तालीकोटा का युद्ध में बीजापुर अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर की सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया तथा विजयनगर को ध्वस्त कर दिया, 1567 ईस्वी अकबर ने मेवाड़ के राणा उदय सिंह को पराजित कर चित्तौड़ के किले पर अधिकार किया, 1572 ईस्वी राणा उदय सिंह की मृत्यु, राणा प्रताप का राज्यारोहण, 1573 ईस्वी कबीर का निधन, गुजरात पर अकबर का आधिपत्य, 1575 ईस्वी ठकुरोई जो कि उड़ीसा का युद्ध, अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने की स्थापना की, 1576 ईस्वी हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप को अकबर ने पराजित किया, बंगाल व बिहार के अंतिम अफगान शासक दाऊद खां की पराजय हुई, 1577 ईस्वी अकबर ने मनस बहादुरी प्रथा का प्रारंभ किया, 1578 ईस्वी भारत भाषा की पहली पुस्तक अडुट्रीना किटा तमिल भाषा में मुद्रित और प्रकाशित, इस पुस्तक के लिए टाइप जुआ गुल्ला वेज नाम के स्पेनी लुहार ने क्यूलोन में ढाले थे, 1579 ईस्वी अकबर में महजरनामा इनफैलिबिलिटी डिक्री जारी किया, 1582 ईस्वी अकबर ने दीन इलाही की घोषणा की, 1597 ईस्वी राणा प्रताप की मृत्यु, 1600 ईस्वी लंदन में महारानी एलिजाबेथ द्वारा अपने भतीजे जॉर्ज अर्ल ऑफ कम्बरलैंड तथा सर जॉन हार्ट की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में से व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया, 1601 ईस्वी डच व्यापारी कंपनी की स्थापना, 1602 ईस्वी अबुल फजल की हत्या, 1605 ईस्वी मुगल शासक अकबर की मृत्यु एवं जहांगीर का राज्यारोहण, 1606 ईस्वी शाहजादा खुसरो का विद्रोह, जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी, 1608 ईस्वी भारत के सूरत नगर में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम कारखाने की स्थापना की, 1609 ईस्वी में इसको अभी देखिए या नेक्स्ट वीडियो में बनाएं, 4, 5, 6, 3 पेज का है, ऐसा करते हैं कि इसके लिए एक अलग से और वीडियो बना लेते हैं ताकि जो है ज़्यादा हम पे भार ना पड़े। ओके।